हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, देखो स्टेट्स के बारे में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तीनों स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ देखेंगे नया टॉपिक, एक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मान लो जो मैटर हैं अब, ठीक है, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये तीनों स्टेट में होते हैं, बट क्या ये मान लो ये अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? जैसे कि लिक्विड में है तो लिक्विड में से सॉलिड में जा सकते हैं, सॉलिड में से लिक्विड में जा सकते हैं, या लिक्विड में से सॉलिड में, या फिर लिक्विड में से गैस में, सॉलिड में से गैस में ये जा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। नाउ वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइस क्या है, आइस अगर हम वाटर को, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस होता है, तो आइस क्या है, वो सॉलिड है। लिक्विड क्या है, आपको पता ही है, फैमिलियर विथ वाटर, यू फैमिलियर विद द वाटर, एंड गैसियस एट इज वाटर वेपर, आपको पता ही वाटर वेपर का। अगर मान लो कोई किसी को हम क्या कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर उसको हम क्या करें, वाटर को हीट करें, तो क्या होगा, उसमें से वेपर निकलेगा जो गैसियस फॉर्म में होगा। What happens inside the matter during this change of state? मान लो अगर ये स्टेट के चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉलिड में से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड में से गैस हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जब ये एक दूसरे, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा था, उनके बीच मतलब रिएक्शन क्या होता है। What happened to the particle of matter during the change of the state? ये पार्टिकल के मैटर का क्या होता है, ठीक है। How does this change of state take place? अब ये जो स्टेट एक दूसरे में से चेंज हो, स्टेट वन स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज होता है, इस सब का आंसर क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला देखो जो ये है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, देखो एक किस पे डिपेंड करता है, एक तो इसका टेम्परेचर डिपेंड अगर होगा, मान लो वेरी होगा, अलग अलग टेम्परेचर बदलेगा, तो क्या होगा ये इसमें, मान लो स्टेट्स में चेंज होगा। जैसा कि देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, क्या लेना है, 150 ग्राम एक बीकर में आइस लेना है, एरा जैसे इसमें लिया है, देन एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, और क्या करना है तुम्हें, जैसे देखो यहाँ पे एक थर्मामीटर तुम्हें दिख रहा है, थर्मामीटर क्या कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करना है, उसमें रख देना है, बल्ब इन द कॉन्टेक्ट विद द आइस, यहाँ पे देखो ये भी इसका बल्ब होता है, आइस के कॉन्टेक्ट में रख दिया, अब इसका टेम्परेचर नोट कर लेना है। नाउ आगे क्या दिया हुआ है इसमें एक्टिविटी में तुम्हारे, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ फ्लो फ्लेम, लो फ्लेम क्या करना है, एक लो फ्लेम पे हमें मतलब थोड़ा सा वो जो हमारा बुनसन बर्नर हमने नीचे लगाया वो क्या, उसका फ्लेम कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और हीट करना शुरू कर दो। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है, हमें देखो इसमें इस क्या करना, क्या एक हमने आइस लिया है, ठीक है, बीकर में हमने आइस लिया, नीचे देखो बुनसन बर्नर हमने लगा दिया, यहाँ से हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट करेंगे तो देखो जब ये क्या होगा, मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, वो टेम्परेचर हमें मेज़र कर लेना है। फिर जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या करो, और बर्न हो मतलब उसको क्या करो, और हीट होने दो, और हीट होने दोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर वेपर में, और उसका भी टेम्परेचर क्या करना है हमें नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें इसने क्या किया है, सॉलिड टू, ये जो फर्स्ट फिगर दिख रहा है आपको, इसमें सॉलिड टू किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड, फिर नीचे जो फिगर दिख रहा है इसमें लिक्विड टू किस में, लिक्विड में आ गया, लिक्विड से बाद में क्या किया, वाटर वेपर में कन्वर्ट किया है। नाउ देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे तुम क्या करोगे उसका टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, जैसे इंक्रीज कर रहे हो, वैसे क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जो पार्टिकल्स हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर ये समझ लो तुम्हारा काइनेटिक, देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मतलब इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि देखो जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये तुम्हारे ए पार्टिकल्स हैं, जैसे तुम अगर इसमें हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के इधर उधर इधर उधर क्या होंगे, उछलने लगेंगे। अभी मान लो अगर तुम्हारे पास ही क्या हो जाए कि हीट रख दे, तो तुम भी क्या करोगे, उछलने लगोगे, सेम इसी तरह पार्टिकल्स में भी क्या होता है, होता है, तो इनकी स्पीड मतलब बढ़ जाएगी, जो छोटे छोटे तुमको पार्टिकल दिख रहे हैं इनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता है 1/2 mv² मतलब क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वही मैंने बताया आपको, अगर मतलब वही, अगर इनकी स्पीड बढ़ रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेंगे, तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, इधर उधर ऐसे ऐसे होते रहेंगे पार्टिकल्स, एंड देन
द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट को ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. क्या करेगा इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में क्या लाएगा, अट्रैक्शन होगा. द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन. और पार्टिकल क्या करेंगे, जो उनकी फिक्स पोजिशन रहेगी, मान लो वो फिक्स पोजिशन क्या करेंगे, अपनी फिक्स पोजिशन छोड़ देंगे या इधर उधर वाइब्रेट करेंगे. तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट. और एक ऐसा स्टेज आएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये दोनों क्या वाइब्रेट करने लगेंगे. और ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो क्या होगा, अपने पोजिशन को छोड़ के मतलब स्टार्ट मूविंग स्टेप फ्री में इधर से उधर इधर इधर फ्रीली क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. अब बाद में क्या होगा, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट. क्या होगा, सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा जो पूछा जाता है. नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. मेल्टिंग, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एक्चुअली में, देखो ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ होता है कि कितना फोर्स लगाने पे क्या होगा कि वो पार्टिकल क्या होंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, उनके बीच कितना फोर्स लगाएं, अट्रैक्शन मालूम पड़ता है उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन होगा उनको, हम मतलब कितना फोर्स लगाएं उनका अट्रैक्शन क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए. नाउ द मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.15 केल्विन. ये जिसके ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होता है बराबर, 373 यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम 273 करें, ये क्या होगा तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है. प्रोसेस ऑफ मेल्ट, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. अब अगर सॉलिड में से क्या हो रहा है लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, फ्यूजन बोलेंगे. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. मान लो अगर हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है. अब वो हीट एनर्जी कन्वर्ट कहाँ पर होती है, जाती कहाँ पर, तो देखो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड. देखो अब हमने क्या देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या देखा था, टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट के बाद. ठीक है, आज जब तक आइस टिल ऑल द आइस मेल्ट, सभी जब तक क्या होते हैं सभी आइस मेल्ट नहीं हो जाते. दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब तक हम ये कब तक होता है, अगर हम हीट को क्या करें, कंटिन्यू रखें बीकर के हीट को, एंड दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. तो ये क्या होता है कि उन दोनों, मान लो अगर मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इधर से चेंज क्या करते हैं, हीट जो होगा वो क्या करेंगे, उन दोनों के जो अट्रैक्शन होगा वो फोर्स लगाएंगे तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके क्या ओवरकम कर देगा. ठीक, ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उन दोनों फोर्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है. एज दिस द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. और जो ये हीट एनर्जी होती है वो क्या करता है, आइस क्या करेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा बिना कोई टेम्परेचर को इंक्रीज, मतलब दिखेगा नहीं कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड नोन एज द लेटेंट हीट. और क्या किसमें होगा, ये बीकर में क्या होगा, ये हिडन होगा. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. और इसको हम क्या बोलेंगे, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट. द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन. लेटेंट का मीनिंग ही क्या होता है, हिडन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड. अब मान लो 1 kg तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है, इसको अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, किस में चेंज करना चाहते हैं, लिक्विड में, जितना एनर्जी हम क्या करेंगे इस पे हम यूज़ करेंगे, जितनी एनर्जी वो क्या होगा तुम्हारा, और इस एनर्जी को मान लो इसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है, और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. देखो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. सो पार्टिकल इन वाटर इज 0 degree. 0 degree पे कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है. बट फॉर द इजी के लिए हम क्या लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं. है मोर एनर्जी
इज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। देखो मान लो अगर 0 डिग्री है वाटर, ठीक है, अब उसके पास किसके पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा मान लो अगर वाटर है, ठीक है, वाटर आइस के कंपेयर में जो आइस है अगर वो दोनों जो कितने डिग्री पे हैं, 0 डिग्री पे है। मान लो ये आइस है तुम्हारा, ये वाटर है, ये दोनों कितना है 0 डिग्री पे होते हैं, लेकिन इसमें से हीट एनर्जी ज़्यादा किसकी है, इसकी, ठीक है, मोर एनर्जी किसके पास है, इसके पास, लिक्विड के पास। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, क्योंकि देखो जब हम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में वो हीट एनर्जी जाती है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, जब हम क्या करेंगे हीट एनर्जी और ज़्यादा, अगर हम किस पे जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड में और हीट एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये पार्टिकल और ज़्यादा क्या करेंगे, फास्टर मूव करने लगेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रेस्ट व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो मान लो फिर इसको अगर तुम हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, फिर बाद में देखो इन दोनों के बीच के जो अट्रैक्शन होता है, आपको पता है लिक्विड में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है सॉलिड से थोड़ा मतलब कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता है। तो अगर एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम हीट करते जाओगे, ऐसी एनर्जी मान लो ऐसे टाइम ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जो अट्रैक्शन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे पास पास में थे इनको ब्रेक होके दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इसी पॉइंट पे क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा, ठीक है। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, कहाँ गया, ओके, एट द टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है वैसा पॉइंट आएगा, अगर तुम हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करते जाओगे, लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे, बाद में ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे, इन दूर दूर हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन कम होगा, और इस और उस टेम्परेचर को जहाँ से दोनों मान लो ज़्यादा दूर हो जाएंगे और अट्रैक्शन इनके बीच क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, और क्या है ये, बल्क फिनोमिना होती है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है, बल्क प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लेते हैं ये लिक्विड, क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। नाउ फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373, अब देखो आपको पता है 100 डिग्री टेम्परेचर किसका होता है, वाटर से गैसियस फॉर्म में चेंज या फिर वेपर फॉर्म में चेंज होने पर, तो अब 273 जीरो डिग्री था, उसमें 100 डिग्री ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 373 डिग्री केल्विन, ये रहा हमने यहाँ पे करके बताया, इसने करके बताया हुआ है। नाउ यू कैन डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हम डिफाइन कर सकते, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ क्या बना यहाँ पे डिफाइन कर सकते, देखो डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ, हमने फ्यूजन बोला था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमने डेफिनेशन यहाँ पे पीछे देखा था। नाउ पार्टिकल इन स्टीम, देखो क्या होता है, द पार्टिकल इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 370 डिग्री और 100 डिग्री केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब मान लो कोई वेपर है, ठीक है, 373 केल्विन का एक क्या है तुम्हारा वेपर है, और 373 डिग्री का तुम्हारा क्या है लिक्विड है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, इस वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है। तुम अगर देखो कभी भी आप लिक्विड में क्या करो, कभी मान लो गर्म पानी है, ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर है और एक वेपर है, और मान लो तुमने इसको किया, यहाँ से वेपर निकल रही है, तो तुम अगर वेपर में अपना हाथ रखोगे तो ज़्यादा तेज जलेगा भाप में उसके, लेकिन एक लिक्विड में जलोगे उसके कंपेयर में कम जलेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वेपर में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या करते हैं वेपर फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसके फॉर्म में होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में होता है। तो नीचे देखो यहाँ पे तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक में दिया गया है, मान लो किस में चेंज किया इसने, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें हीट करना पड़ेगा, हीट करोगे तो लिक्विड में आ जाएगा, अब वापस लिक्विड के हीट करोगे तो 100 डिग्री जैसे पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा गैसियस।
अब देखो जैसे तुम्हारा, देखो जीरो से मान लो 0 डिग्री से कम होगा तो किस में होगा तुम्हारा, आइस फॉर्म में। जैसे ही 0 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब 100 डिग्री पहुंच जाएगा तो किस में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। देखो तो क्या है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होगा कि स्टेट का ऑफ मैटर भी क्या होते हैं, उनके चेंज होते हैं, मैटर के स्टेट चेंज होते हैं। नाउ वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड द अस यूज स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर देखो बट देयर आर सम ऑफ द चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। देखो अब हमने तो देखा है हमारे आसपास जो भी, मान लो जैसे वाटर है, वाटर पहले किस में होता है, आइस में, आइस में अगर है तो पहले लिक्विड में चेंज होगा फिर गैस में। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, सॉलिड में से गैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में से क्या होते हैं, मान लो गैस में से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में, या तो सॉलिड में से गैस, या फिर क्या हो, विदाउट चेंज, बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड में से गैस, गैस में से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक कैम्फर, टेक सम कैम्फर, एक एक्टिविटी दी है, टेक सम कैम्फर, आपको पता है कपूर होता है, ठीक है, एंड और अमोनियम क्लोराइड, या तो अमोनियम क्लोराइड ले लो या तो क्या ले लो, कैम्फर ले लो। क्रश इट एंड पुश इट इन चाइना डिश, क्या करो, क्रश करो और उसको चाइना डिश में, देखो ये जैसे इसने रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी तरह क्या करो, रख दो। ठीक है, फिर क्या बोला है आगे, देखो फिर बोला है कि पुट एन इन्वर्टेड फनल, आपको फनल पता ही होगा, ठीक है, ये फनल इस तरह का होता है, ये तुम्हें उल्टा रखना है इस फनल को, क्या करना है, ये फनल इस तरह का होता है, और इस फनल को तुमको देखो जैसे फिगर में बताया गया है इस तरह से उल्टा रखना है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या लगा देना है, आपको कॉटन लगा देना है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। बुनसन बर्नर नीचे रखा, चाइना डिश रखा, चाइना डिश में हमने या तो अमोनियम क्लोराइड वेपर ले, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, या फिर क्या ले लिया हमने, कैम्फर ले लिया, यहाँ पे इसने अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, यहाँ पे है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड फनल है, ऊपर कॉटन लगा दिया, नीचे से क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। जब आप हीट करोगे तो देखो, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड में नहीं होना है, डायरेक्ट क्या हो जाना है, गैस में चेंज हो जाना है। सॉलिड टू गैस में चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड, और गैस टू लिक्विड में होता है ये सब्लिमेशन हो गया तुम्हारा, और ये गैस टू सॉलिड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। जब इसको आप हीट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये धीरे 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 देखो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, जो भी इतनी हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, बाहर निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे आके ये रुक जाते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर सॉलिड टू डायरेक्ट किस में हो रहा है, गैस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस टू अगर किस में होगा, सॉलिड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला स्टेट मतलब स्टेट मतलब जो भी मैटर हो क्या करते हैं, अपने स्टेट को चेंज करते हैं। फर्स्ट हमने देखा है किसके चेंज पे, टेम्परेचर के, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। सेकंड हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो भी क्या होगा कि जो स्टेट हैं वो अपने मैटर हैं वो अपने स्टेट क्या होंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो, सभी दोस्तों को अपने, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, थैंक यू।